आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। ओके, तो इसकी तैयारी में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन के आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सो वीडियो ध्यान से तक देखिएगा। ओके, जितने क्वेश्चन बताऊं इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो तैयार को जरूर करना है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा है हॉर्नबिल के पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। ओके, तो उन्हें देख लीजिएगा। ओके, तो फिर इसके बाद मैं आपको स्नैपशॉट के आपको जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। और फिर इसके बाद हम क्या है ग्रामर के टॉपिक हम एक एक करके समझेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ग्रामर का कौन कौन से टॉपिक आपको समझना है। तो देख लेते हैं हॉर्नबिल के पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले जो है पोयम है आप फोटोग्राफ इससे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है हु आर द पर्सन इन द फोटोग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। सॉल्यूशन इसका आपका ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको गैस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ जरूर नहीं यही आंसर आप तैयार करें, आप अपने से तैयार कर सकते हैं कि जो आपके स्कूल में सर या मैम ने लिखवाया हो या फिर आप अलग गाइड हो जो आपने याद किया हो उसे भी तैयार कर सकते हो। बस लेकिन आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उसे आपको जरूर तैयार करना है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफरेंस टू इन द पोयम। ओके, ये आपका दिया हुआ है आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट डू यू इन्फर अबाउट फीलिंग ऑफ पोएट इन द पोयम अ फोटोग्राफ। ओके, ये भी आपका दिया हुआ है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है द लैम्बर टॉप, इससे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है व्हाट इज द कलर ऑफ लैम्बर ट्री इन सितंबर। ओके, सितंबर में लैम्बर जो ट्री है उसका कलर किस प्रकार से होता है, तो येलो कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो येलो बस आपको लिखना है, इससे इसका आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट डज द लैम्बर ट्री बिकम येलो इन मंथ ऑफ सितंबर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट वाज कंपेयर्ड विद गोल्ड फिंस मूवमेंट। ओके, इसकी शॉट आप लेते जाइएगा और अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है द वॉइस ऑफ रैन, इससे देख लेते हैं। अभी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ शॉर्ट वाले बता रहा हूँ। ओके, तो इन्हें देखते जाइएगा। तो आप द वॉइस ऑफ द रैन से आपको तैयार करना है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रैन। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर यानी क्या पिछले साल के पेपर में। ओके, तो इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता आगे देख लेते हैं। ओके, बाकी मैं आपको क्या इंग्लिश की कंप्लीट आपको तैयार करें, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, तैयार कराते जा रहा हूँ क्रम से। दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश वार्षिक परीक्षा पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। ओके, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसी हिसाब आप लेते जाइए। ओके, व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। ओके, कंप्लीट हो जाता है आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है चाइल्डहुड वाले चैप्टर से हमारा व्हाट डज द पोएट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स। ओके, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसे आपको तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपको इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फादर टू सन, इससे आपको तैयार करना है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फादर्स प्रॉब्लम इन द पोयम फादर टू सन। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इसकी छोटे से क्या फास्ट आप ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन देखे ये हमने कहा शॉर्ट टाइप पोएट्री के आपके शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। ओके, अब हम देखेंगे लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। ओके, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पोएट्री सेक्शन। ओके, तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तैयार करना है व्हाट आर द 3 फेस डिस्क्राइब इन द पोयम अ फोटोग्राफ। ओके, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, ये भी क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तैयार कर लीजिए। अब मैं आपको क्या 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा 3 नंबर वाले के लिए, वो आपको तैयार कर लेना। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। ओके, अब इसके आगे दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ जो आपको बहुत हाई चांस है वो है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आने के लिए सेंटर आइडिया पोयम का। सेंटर आइडिया जरूर तैयार कर लीजिएगा, मुख्यतः आपको तीन पोयम का सेंटर आइडिया तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आप 3 पोयम का सेंटर आइडिया तैयार कर लेते हैं 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी पोयम का सेंटर आइडिया तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है आप फोटोग्राफ पोयम का सेंटर आइडिया तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया सेंटर आइडिया। अगर आप क्या है
अपने से अपने तैयार करना चाहते हैं तो अलग से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको क्या सेंटर आईडी जरूर तैयार के लिए तीन नंबर आपको रखा मिलेगा। ओके, इसी प्रकार से मैंने क्लास 12 से बताया था, तैयार भी कराया था। ओके, तीन पोयम का और तीन में से दो पोयम का एज ए टेस्ट बोर्ड एग्जाम में आया था इस बार। ओके, क्लास 12 की बता रहा हूँ, इसलिए आप क्या है और आपके भी अक्सर क्या है सेंटर आईडी आता है। सेंटर आईडी मतलब उसके बारे में, उसके पोयम में क्या बताया गया, कम शब्दों में आपको समझाना पड़ता है। तो आपको आप फोटोग्राफ पोयम का सेंटर आईडी तैयार कर लीजिएगा। फिर द लंबोर टॉप का भी आपको क्या सेंटर आईडी तैयार कर लेना, ये आपकी दो पोयम हो जाती है। तो द वॉइस ऑफ द रेन, तीसरी पोयम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन, इसका आपको सेंटर आईडी तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया हुआ है द वॉइस ऑफ द रेन का आपका सेंटर आईडी। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। तो इन तीनों का पोयम का आपको सेंटर आईडी जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके तीन नंबर आपके पक्का हो जाएंगे, ये हो जाता है कंप्लीट। लॉन्ग में अक्सर क्या है सेंटर आईडी ही पूछा जाता है पोएट्री सेक्शन। ओके, ये हो जाता है अपना कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, आगे उसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपसे ये पूछे जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन, सॉल्यूशन ये दिया है, इसकी शॉर्ट आप ले लीजिए इसका। आगे आगे देख लेते हैं, जिसके आगे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, हाउ डज द रेन क्लीन द अर्थ। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसे आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका हो जाता है। ओके, इसके आगे नेक्स्ट आपको है, अगर आपको पास ये तीन आपका तीन पोयम जो मैंने आपको बताया द आपका क्या है द फोटोग्राफ वाली, ओके द लैम्बोर टॉप और द वॉइस ऑफ द रेन, इन तीन पोयम का अगर सेंटर आईडी तैयार कर लेते टाइम रहता तो फिर आप चाइल्डहुड का भी आप तैयार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि चाइल्डहुड वाले पोयम का भी सेंटर आईडी आ जाता है। तो ये चार पोयम का सेंटर आईडी बता दिया, तीन तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपका ये चाइल्डहुड वाले चैप्टर पोयम का भी आपको क्या है सेंटर आईडी दिया हुआ, कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन किया, इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपको क्या है आपकी हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री, साथ ही आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साथ ही दोस्तों आपकी कंप्लीट आपकी ग्रामर मिल जाएगी। ओके, वे सॉल्यूशन के साथ ईजी लैंग्वेज में आपको दिया रहेगा, मेरी भाषा में रहेगा। ओके, तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो इंग्लिश के कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 9039345479 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फीस आपकी 249 रुपये, 50% ऑफ चला है, तो केवल 125 रुपये में कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स दिया जा रहा है। तो बिल्कुल कम समय रह गया, तो कम समय में आप क्या अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे वो पोस्टर हो, लेटर हो, नोटिस मेकिंग हो, सबकी आपको ट्रिक सहित आपको बताया गया, अनसीन पैसेज हो सबका दिया आपको ट्रिक के साथ समझा गया, नोट्स मेकिंग किस प्रकार से करना है, सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों में क्वेश्चन आपको एक और आपको इसमें तैयार करना है कि हाउ इज द फादर्स हेल्पलेस वॉट आउट इन द पोयम फादर टू सन। ओके, इसको भी आपको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। ओके, तो बस आपको इतने ही आपको तैयार करना है, शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों टाइप की बता दी हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपकी पोयम है 4 से 5 पोयम है, तो 4 से 5 पोयम में जितने पोर्ट्स में भी हो चाहे पोएट्री में हो, जितनी आपकी आपकी पोएट्री में जो आपकी पोयम दी हुई है और पोर्ट्स में भी आपकी जो कहानी है, ओके, उनके आपको क्या है राइटर जरूर याद कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपको क्या है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं अनसीन एक्सट्रैक्ट आते हैं। ओके, तो एक्सट्रैक्ट में आपसे अक्सर क्या है पोयम के पूछे जाते हैं। ओके, पोयम पूछा जाता है, पोयम के पोएट कौन है ये पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए। इस प्रकार से पोएट्री के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, नेक्स्ट वीडियो में आपको स्नैपशॉट की कवर करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।